Hey guys, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आज के टाइम की वन ऑफ द फास्टेस्ट जेन 4 SSD के बारे में। अब हम और आप में से ज्यादातर लोग गेमर्स हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आपने ये चीज नोटिस भी करी होगी कि जितने भी आजकल के AAA टाइटल गेम्स है ना उनका जो साइज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इवन कुछ गेम्स तो 100 GB के ऊपर भी जा चुके हैं। अब आपके गेम सारे के सारे स्टोर रहे हैं, प्लस वहां पर आपको जो है कम लोडिंग टाइम भी देखने को मिले, इसके लिए यहाँ पर आपको एक ऐसे स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी जो कि काफी बड़ा हो और आपको बेहतरीन स्पीड प्रोवाइड करता हो। और यहीं पर एंट्री होती है सीगेट की फायरकूडा 530 SSD की। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सीगेट की जो 530 फायरकूडा SSD है ना वो एक जेन 4 SSD है जो यहाँ पर आपको ये SSD परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। भाई वो बेस्ट इन क्लास है, यानी कि आपको जो रीड और राइट स्पीड देखने को मिलती है वो अप टू 7300 मेगाबाइट पर सेकंड की है जो कि आज के स्टैंडर्ड से एक फ्लैगशिप लेवल की मानी जाती है। लेकिन इस SSD में एक खास चीज़ ये है कि जो इसका एंड्योरेंस है, जो इसकी रिलायबिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब ये ड्राइव कितनी ज़्यादा रिलायबल है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो आपको टोटल बाइट रिटर्न देखने को मिलता है वो 5100 है। 0.7 ड्राइव को ना आप पर डे के हिसाब से रीड और डिलीट कर सकते हो, बाकी 1.5 मिलियन MTBT भी देखने को मिलती है जो कि इसके परफॉर्मेंस और इसकी रिलायबिलिटी को बताती है। किन लोगों को नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला, आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ड्राइव का 70% हिस्से में रीड और डिलीट कर सकते हो डेली 5 साल तक, उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। सिमिलर ऑपरेशन अगर आप किसी हार्ड डिस्क पे करते हो तो वो 1 महीने में भी खराब हो सकती है। अब जाहिर सी बात है आप में से ज्यादातर लोग जो PC बिल्ड करते हैं, इवन जो कॉन्सोल भी लेते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उनकी जो मशीन है ना जिस पर वो गेम खेलते हैं वो एटलीस्ट 10 साल तो लास्ट लॉन्ग करे, बीच में कोई फॉल्ट ना हो। और ये जो SSD आती है सीगेट की तरफ से ये काफी रिलायबल है और जिसका एंड्योरेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा है। अब इस SSD से मैंने आपको इंट्रोड्यूस तो करा दिया, बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत अनबॉक्सिंग के बारे में। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर आपका काफी ज्यादा अच्छा होता है। बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको थोड़े बहुत मैनुअल देखने को मिल जाते हैं और आपको आपका ड्राइव देखने को मिल जाता है। बेस्ट चीज यहाँ पर यह है कि इस ड्राइव में हीट सिंक प्री इंस्टॉल्ड है और मैं आपको बता दूं हीट सिंक आज के टाइम पे काफी ज्यादा क्रूशियल होती है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी जो SSDs होती है ना वो बिना हीट सिंक के आती है, लेकिन जब आप उन्हें यूज करने बैठते हो ना तो भाई वो काफी ज्यादा हीट करती है। हीट सिंक यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप SSD ऐसी जगह पर यूज करते हो जहाँ पर बहुत थोड़ा या ना के बराबर एयर फ्लो होता है। हमारे यहाँ पर जो SSD है वो 2 TB की SSD है और जो मैं परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है वो काफ़ी अच्छा होता है। बाकी इस ड्राइव के साथ आपको 3 साल का रेस्क्यू डेटा रिकवरी सर्विस भी देखने को मिल जाती है जो कि आपके डेटा को 95% ऑफ द टाइम रिकवर भी कर देती है। यहाँ पर जो आपको इंटरफेस देखने को मिलता है वो टिपिकल M.2 इंटरफेस होता है, यानी कि इस SSD को आप PC में या लेटेस्ट कंसोल PS5 में भी यूज़ कर सकते हो अपनी स्टोरेज को एक्सपैंड करने के लिए। अब मेरे पास भी यहाँ पर एक PS5 था, उसमें जो आपको स्टोरेज देखने को मिलती है इंटरनल वो उतनी सफिशिएंट नहीं होती है, यानी कि जो गेम्स वहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो वो हार्डली 3-4 होते हैं। PS5 की यहाँ पर एक लिमिटेशन ये भी है कि आप कोई भी SSD PS5 में नहीं लगा सकते हो। PS5 में SSD लगाने के लिए आपको जेन 4 की SSD ही चाहिए होगी जिसकी स्पीड अप टू 5-6 GB की हो, यानी कि आपको काफी फास्ट स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। और सीगेट की जो हमारे पास SSD है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे PS5 के लिए। इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी होता है, आपको बस अपने PS5 को ले डाउन कर देना पड़ता है और पैनल को आराम से निकाल लेना पड़ता है। आप देख सकते हो अंदर एक छोटा सा ब्रैकेट रहता है, एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप उसको खोल सकते हो। उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो M.2 स्लॉट लगा होता है। अब यहाँ पर आपको केवल करना ये है एक स्क्रू को अनलॉक कर लेना है साइड में जो लगा होता है, अपनी SSD को लगाना है ठीक से, उसके बाद आप उस स्क्रू को वापस से टाइट कर दो। उसके बाद यहाँ पर आपको वापस से स्क्रूज को टाइट कर देना है और साइड पैनल को लगा देना है। आप देख सकते हो कितना ईजी था PS5 में हमारी स्टोरेज को इंस्टॉल करना। अब इस SSD को यूज़ करने के लिए आपको केवल अपने PS5 को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक वार्निंग मैसेज मिलेगा कि SSD को यूज़ करने के लिए उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। आप ओके कर दो एंड यू आर गुड टू गो। एक बार सारी चीज़ें सेटअप हो जाती हैं आप जाओ गेम्स डाउनलोड करो। एंड बेस्ट चीज़ ये है कि लोडिंग टाइम्स में आपको 0 डिफरेंस देखने को मिलता है। जो गेम्स इंटरनल स्टोरेज में जितनी फास्ट लोड हो रहे थे वहीं गेम्स आपके SSD पे भी उतनी फास्ट लोड होंगे, तो लोडिंग टाइम में कोई फर्क देखने को नहीं मिलता जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। नाउ यू आर गुड टू गो, आपने अपने PS5 की स्टोरेज अपग्रेड कर ली। और वही आप में से जो लोग PC यूज़र हैं इस SSD को PC में यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ
यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मेक श्योर आपको जो पीसी है वो जेन 4 एसएसडी के साथ कंपैटिबल हो। विंडोज 11 में यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही फास्ट एंड फ्लूइड होता है। लिटरली यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डेटा बहुत ही कम टाइम में मूव कर सकते हो। तो ये एसएसडी हैवी यूजर्स के लिए और गेमर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। मेरी टेस्टिंग के टाइम यहाँ पर जो एसएसडी में हमें मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला है वो केवल 62 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मैं मानता हूँ बहुत ही अंडर कंट्रोल है। यहाँ पर जो आपको हीट सिंक देखने को मिल रही है वो अपना काम बाखूबी अच्छे से कर रही है। ओवरऑल अगर मैं आपको कंक्लूजन के बारे में बताऊं, चाहे यहाँ पर आप पीसी यूज़र हो या कंसोल यूज़र हो, आप अपने लिए एक ऐसी स्टोरेज ढूंढ रहे हो जो रिलायबल हो, फास्ट हो, तो मैं मानता हूँ सीगेट की फायरकूडा 530 आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। बाकी आप में से जो लोग थोड़ा सा बजट में है, 2TB 4TB वेरियंट नहीं ले सकते, तो इस ड्राइव का 1TB और 500GB का भी वेरियंट आता है, जाकर आप लोग उसे चेक भी कर सकते हो। इंडिया में वो वेरियंट अवेलेबल भी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा जहाँ पर जाकर आप इस SSD के बारे में थोड़ा बहुत और भी पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स और भी क्लियर कर सकते हो। और इनकेस अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वो भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है जाकर चेक कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों ये थे इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।